तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डैशबोर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं और यूट्यूब एनालिटिक्स की दूसरी डैशबोर्ड पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली डैशबोर्ड में हमने बताया था कि किस तरह से हमने वॉच टाइम को यहाँ पे मैंने एनालाइज किया था और यहाँ एवरेज व्यू ड्यूरेशन को एनालाइज किया था और किस तरह से हमने यहाँ पे अप एंड डाउन का एंड चार्टिंग का ऑप्शन दिए थे, राइट। अब उसी राइट में ये हमारा इसी सेम चीज जो यहाँ किया है उसी में हमें व्यू पे करना था, ठीक है। क्योंकि हमारे ट्रैफिक सोर्स में यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वॉच मिनट था, अब ये एन एवरेज व्यू ड्यूरेशन था, अब मुझे सेम चीज व्यू पे करना है, ठीक है। सेम चीज इसमें करना है, व्यू पे ओके करना है। तो चलिए करते करते हैं। मैं वापस इसको लेता हूँ। राइट क्लिक फॉर्मेट सेल एंड बॉर्डर, बॉर्डर में नीचे का भी ले लेते हैं, साइड का भी और साइड का भी। और यहाँ भी इसकी बॉर्डर लगा देते हैं सेपरेशन। राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहाँ पे सॉरी ये लेते हैं। हेलो, हाँ इसके ओके करते हैं। ये सेपरेशन में लोकेशन बन गया। और फिर अब यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे एवरेज लगा रखा है, ये एवरेज, अब इन दोनों को मैं यहाँ से उठा के कॉपी करता हूँ, नीचे के यहाँ कॉपी कर देता हूँ। अब इसमें क्या है कि मुझे व्यू चाहिए, तो ए एफ एफ है, तो हम जाके देखते हैं समीप में हमारा नेक्स्ट कौन सा है, एच एच, एफ की जगह पे एच करना। सॉरी ये इस पे कर रहे तो ट्रैफिक सोर्स है, हाँ यहाँ एफ, ये जी पे करना है हमें डैशबोर्ड में, यहाँ एफ की जगह पे जी कर देते हैं समीप में हमको। तो बाकी सारे कंडीशन जो है वही रहेगी जो थी, ठीक है। और यहां भी जहां जहां हमने एफ का कॉलम दिया हुआ वहां हम जी का कॉलम दे देते हैं, हमारा हो जाएगा। तो जब ये डैशबोर्ड बनाते हैं तो मोस्टली समझिए कि फॉर्मूला सबका एक ही होता है, आपका बस थोड़ा सा चेंजिंग करना होता। उसके बाद मैं वापस आता हूँ वॉच टाइम में। अब फिर मुझे चार्ट चाहिए यहाँ पे, तो जैसे कि चार्ट के तो अदर तरीके भी थे लेकिन हमने आपको बोला कि हम यूज कर लेते हैं किसका, पिवट का। अब मुझे नेक्स्ट पिवट लगाना है तो मैं इसके नीचे पिवट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसके नीचे पिवट लगाया तो फिर ये पिवट अगर इंक्रीज होगा तो ओवरराइट करेगा, तो हमें इसके साइड में ही हमेशा पिवट लगाना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता और फिर मैं यहां पे इंसर्ट पिवट टेबल और एजेंसी वर्कशीट में जाता हूं और यहां पे लिखता हूं। हालांकि पिवट यहां पे मैंने कि सुविधाजनक है इसलिए कर रहा हूं, वरना और भी तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं बिना पिवट के, लेकिन अभी उसका कोई फायदा नहीं है इसलिए नहीं। डेट एंड आगे चल के मैं बताऊंगा आपको व्यू। फिर मैं इसको सेम सर हेलो बोलिए, सर, ये वीडियो थोड़ा देर से आ रहा है, मतलब आवाज आ रही है, सिंक नहीं हो रहा है,
कंफ्यूज हो रहा है। एक मिनट अभी ठीक कर देता हूँ। अब ठीक हो गया होगा। अब इसको यहां से हम कट करते हैं एंड डैशबोर्ड में डालते हैं। और ये जो कट करके पेस्ट जब हम करते हैं, यहां पे मैंने कट करके पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसका जो सम ऑफ व्यू होता है और डेट जो इस तरह का दिखता है, इसको हम लोग डिलीट नहीं करेंगे। डिलीट कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ दिखेगा आपको, जैसे राइट सेलेक्ट किया आपने और राइट क्लिक किया तो हाइड फिल बटन ऑन चार्ट, इस पे क्लिक कीजिए, ये आपका हट जाएगा। उसके बाद मैं इसको भी हटा देता हूं। और नीचे वाले को भी सेम डिलीट प्रेस कर देते हैं एंड टोटल ऑल्सो डिलीटेड एंड ऊपर का भी टोटल को डिलीट कर देते हैं। और इसकी बैकग्राउंड को भी हम जो लाइनें आती हैं उसको भी सिलेक्ट करके हमें जस्ट डिलीट प्रेस करना है। और फिर हम इसको काम करते हैं। अब दिख रहा है ना सर, वो सबको? जो सम ऑफ व्यूज जो था बटन, हाँ दिख रहा है। वो जो सम ऑफ व्यूज का जो बटन था उसको डिलीट किया तो क्या होगा? फिर आपको सारा हट जाएगा ना, पिवट से डिलीट हो जाएगा, इसलिए। ओके, हमने उसको हाइड किया है। ओके, वो क्या होता है उसका फंक्शन? बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कि आप पिवट, कोई पिवट लगाते हैं, तो पिवट के जो फिल्टर होते हैं ना, यहाँ पे जो रखे होते हैं वो होते हैं। जैसे ओके। यहां से फिल्टर कर लेते हैं हम डेटा में, तो चार्ट के ऊपर भी डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हैं। ओके ओके। अब इसमें हम वॉच टाइम था और यहाँ पे व्यू, और मैं इसी को राइट क्लिक करता हूं और फॉर्मेट प्रिंटर से कर देता हूं, क्योंकि एक जैसा होना चाहिए ना, इसलिए। और उसके बाद मैं इसको आगे तक ड्रैग करता हूं, तो ये दिख रहा है व्यू छुप रहा है, थोड़ा तो सा बड़ा कर देता हूं और इसको भी थोड़ा तो बड़ा करता हूं। तो इस पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट, इसमें पूरे को डिसलेक्ट करना ना, हमें राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे एक विंडो खुलेगा, जस्ट क्लिक कर रहा हूं। हाँ, क्लिक किया, विंडो खुल गया। अब सॉरी, दोबारा करना पड़ेगा, राइट क्लिक चार्ट एरिया, इसके फिल में जाइए और नो फिल, फिल में जाके नो फिल और बॉर्डर में सेम ऐसे ही नो बॉर्डर करना पड़ेगा, तो नो लाइन। तो इसे पीछे की चीज है दिख जाएगी, क्योंकि हमें चार्ट के एरिया थोड़ा बड़ा रखना है, लेकिन इसमें और भी चीजें लिखी हुई है, लेकिन लाइन चार्ट है तो इसको थोड़ा सा जगह चाहिए ना, थोड़ा सा जगह चाहिए। तो हमने इसको पूरे में कर दिया, जिससे पीछे के एरिया दिखेगा और चार्ट भी हमारा बड़ा दिखेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें एक अर्निंग का भी होता है, लेकिन इसमें अर्निंग नहीं है, तो एक कॉलम इसमें अर्निंग का भी होता है, मैं डाल देता हूं।
अर्निंग। और आते हैं डैशबोर्ड में, यहाँ पे अर्निंग के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं अर्निंग और इन रुपीज या डॉलर जो भी कर दीजिए। और सेम थिंग इसको भी नीचे इस पर, अब इस पर जाने के लिए अब इस पर क्लिक करना नहीं होगा क्योंकि चार्ट है इसके ऊपर से, तो आपको साइड में क्लिक करके क्या बोलते हैं एरो की से जाइए, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जहां पे जी था मतलब कि कहाँ चला गया, तो सबसे पहले ट्रैफिक इसमें आते हैं दूसरी फाइल और इसमें हम देते हैं वॉच टाइम था तरीक, दूसरे में चेंज कर दिए। तो इसमें हम आएंगे वॉच टाइम में, तो एन है तो इसमें पी के जगह पे हमें एन डालेंगे। और एक मिनट, ये डॉलर का साइन लगा देना चाहिए था बट हमने इसमें डॉलर का साइन नहीं लगाया, तो मुझे सबको चेंज करना पड़ेगा। तो सम इफ का फॉर्मूला समराइजेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सम इफ के फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से समझ लें तो ही बेहतर होगा। ठीक है, और यहां भी हम एन डाल देते हैं एन और जे की जगह पे। और सेम थिंग इसके भी चार्ट हमें बना, इसके भी पिवट बनाने पड़ेंगे, तो पिवट के थ्रू चार्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने इंसर्ट किया पिवट टेबल और फिर हम यहाँ पे इसके बाद में यहाँ शीट में डाल देते हैं, सॉरी हम यहाँ पे पिवट टेबल और इसकी वर्कशीट और शीट थ्री जहाँ हमने पिवट बनाया हुआ है उसको सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। और यहाँ पे हम वही डेट के साथ भाई सिस्टम फंस रहा है थोड़ा सा, फिर से आगे पीछे हो रहा है। सेव इसको इंसर्ट चार्ट लेते हैं। फिर चार्ट लेने के बाद ले लिया चार्ट, इसको कट करेंगे और फिर हम अपने
डैशबोर्ड वाले रिपोर्ट पे पेस्ट कर देंगे। तो आप बोल रहे थे ना कि अर्निंग डिलीट करने से ये जो सम ऑफ होता है उसको डिलीट करने से क्या दिक्कत होगी। चलिए दिखाते हैं, वहां इसे क्लिक किया और यहां से डिलीट कर दिया। हट जाएगा, पूरा रिमूव फील्ड हो जाएगा। देखा, डिलीट करते हैं, रिमूव फील्ड हो जाएगा, रिमूव फील्ड हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद ये सब डिलीट कर देता हूँ मैं, ये सब डिलीट कर देता हूँ। और फिर से राइट क्लिक फॉर्मेट चार्ट एरिया नो फिल नो लाइन, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे हमारे जैसे कि इसमें आता है कि लाइक कितने हैं, कमेंट कितना है, शेयर कितना है, ये जो चीज दिख रहे हैं आपको, सब्सक्राइब कितने हैं, कितना कमेंट आया, कितना लाइक्स आया, कितना डिसलाइक आया, कितने सब्सक्राइब गेन हुआ, कितने सब्सक्राइब लॉस्ट हुआ, वगैरह वगैरह, ये भी हमें नीचे देने होते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पहले हम छोटा ए बड़ा छोटे दूर में होगा, फिर राइट क्लिक और यहाँ पे फॉर्मेट सेल में आते हैं और इसका बॉर्डर का कलर हम ले लेते हैं। क्लिक फॉर्मेट सेल, ये जो टोटल है सेम टोटल उठा के हाँ रख देते हैं। मैं हटा देता हूँ, मैं लाइनिंग सॉरी, फॉर्मूला डिलीट करने से पहले मुझे इसको फ्रीज करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, हर बार सब में चेंज करना पड़ जाएगा। यहाँ से F4 8 मिनट में है ना, F4
एंड अगेन F4, और इसको भी F4 से करता हूँ मैं, इसको भी F4 से। और ऑल्सो और यहाँ पे एक दिक्कत और है, जैसे कि ये जो हमने किया हुआ है, ये देखिए A36 हो गया, जबकि होना चाहिए C35, क्योंकि यहाँ C35 है नहीं लास्ट डेट। नहीं, और सही है सही है सही है, ये L35 इसका है। तो हमने फ्रीज कर दिया, अब इसको कॉपी करते, पेस्ट, कितना है एक बार देख लेता हूं। 1 2 3 4 5, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसे बड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो छोटे छोटे आएंगे इसलिए। अब ये हमारा, यहां से हम कॉपी कर लेते हैं कमेंट्स, यहां पे हमारा कमेंट्स होगा, तो ऊपर में कर देते हैं, ऊपर में पेस्ट वैल्यू, और मर्ज करते हैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं और बोल्ड। यार थोड़ा छोटा कर तो इसमें क्या क्या है, कमेंट्स के बाद लाइक्स, डिसलाइक, सर वो जो चार्ट जो है, हेलो, बोलिए। तो हम जो वो फिगर्स दिखा रहे हैं वो समीफ के, वो लास्ट 90 डेज के हिसाब से है राइट? लेकिन चार्ट चार्ट जो है हम वो पूरा, उसमें तो हमने कोई क्राइटेरिया डाला ही नहीं है ना, तो चार्ट जो है पूरा का पूरा दिखा रहा है ना। हाँ, बेसिकली इसलिए है हम पिवट के थ्रू ले रहे हैं ना, जब पिवट, जब चार्ट पिवट पे जाके हमने लास्ट 90 डेज रख रखा है ना। लेकिन फिर उसका सिग्निफिकेंस तो कुछ नहीं रहेगा ना, क्योंकि फिगर्स को पिवट रॉज दिखा रहा है और चार्ट को कुछ को, और दिखा रहा है। नहीं, पिवट को हमने फिल्टर कर रखा है ना, ये जो चार्ट जो हमारा है वो पिवट से आ रहा है ना, तो तो हम पिवट में फिल्टर लगाया पीवर गया। में फिल्टर, तो पीवर में फिल्टर इसे लगाए क्योंकि 4 5 डेट ही है ना, अगर ज्यादा होगा तो हम फिल्टर लगा देंगे पीवर में ना, डेट में ना, यहाँ पे तो नहीं है, ओके, यहाँ पे नहीं है फिल्टर लगाया किसी पे। इसने भी नहीं लगाया है क्योंकि इसे 4 दिन का है ही ना, इसलिए ऐसा होगा तो यहाँ पे लिख देंगे ना, यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे ग्रेटर देन पे जाके, ग्रेटर हाँ देन जो करेंट डेट है उससे माइनस, क्या करेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन में करेंट डेट माइनस कर देंगे, है ना, करेंट डेट जो है हमारा, करेंट डेट माइनस 1989,
लेवल फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू डे माइनस 90 डेज, ठीक है ना, उस तरह से कर dislike dislike subscribe and lost subscribe, ठीक है। अब इसको हम ये कर देते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट, हेलो। हेलो, हाँ कर रहा हूँ सर। और ओके, इसमें इसको सेलेक्ट किया एंड राइट क्लिक, फॉर्मेट, और यहाँ पे सिंबल भी दे सकते हैं। अब डिसलाइक जो है ना, इसमें डिसलाइक में राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ, पेपर फॉर्मेट, पहले इसको कर देता हूँ फिर बताता हूँ। फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने दोनों तरफ दे दिया। अब इसमें क्या है कि डिसलाइक एंड सब्सक्राइब लॉस्ट हमारा निगेटिव है, निगेटिव है ना, तो इसको उल्टा करना होगा। अब देख रहे हैं ना, ग्रीन जो है, ग्रीन ऊपर है, ब्लू नीचे है, तो इसको हमें रेड को ग्रीन करना पड़ेगा और ग्रीन को रेड करना पड़ेगा, समझ गए? क्यों? क्योंकि ए ए जो हमारा है, ए कंपनी के, मान लीजिए कि अब जो प्रॉफिट है उसको रेड में दिखाइएगा, लॉस को ग्रीन में दिखाइएगा, तो दिक्कत हो जाएगा क्या सर? राइट राइट राइट, तो सेम चीज आप दोनों पे करना पड़ेगा आपको, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो ठीक है कि भाई हाँ प्रॉफिट है। अब मान लो किसी ने मुझे कमेंट किया तो इट्स गुड, किसी ने लाइक किया आल्सो गुड, लेकिन किसी ने डिसलाइक किया वो तो गुड नहीं होगा ना। अब जितना मान लो पिछले महीने मुझे अगर 100 लोगों ने डिसलाइक किया, इस महीने 80 लोगों ने डिसलाइक किया, तो हमारा परफॉर्मेंस सही है ना, तो कंपेरिजन उसी साल दिखना चाहिए आपको। इसलिए इसका भी, इस तरह का भी ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ये इसका हो गया। अब हम कुछ रिपोर्ट्स बनाने जा रहे हैं इस पे, ट्रैफिक सोर्स के ऊपर। ट्रैफिक सोर्स से मतलब कि ट्रैफिक सोर्स में हम ये देखना चाहते हैं कि ट्रैफिक सोर्स टाइप के अकॉर्डिंग किस टाइप से हमारे पास कितना व्यूज मिले हैं, ओनली फॉर व्यूज। तो इसको भी हम पिवट के जरिए करें तो बेटर रहेगा। तो पिवट टेबल, और हम हर हर के लिए अलग अलग सीट नहीं, एक ही सीट रखेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो एक सीट पे आए। अब इस पे क्या है, इसमें हमारा आएगा ट्रैफिक सोर्स टाइप एंड व्यूज, और इस पे जो पिवट बनेगा, मैं देखता हूँ, रिस्टार्ट कर रहा हूँ, पिछले 2-3 दिन हो गए रीस्टार्ट किए सिस्टम के ना। फिर हम इंसर्ट में आते हैं, चार, इसमें हम शेयरिंग चार बनाएंगे, ठीक है, और इसमें हम इसको हटा देते हैं, चाहिए नहीं, इसको रखना है इसको, नहीं इसको हटाना पड़ेगा,
राइट क्लिक, वैल्यू फिल यहाँ पे हाइड होगा, ठीक है। अब इसमें ये हो गया, अब इसको एक में हटाता हूँ, इसको एक में हटा दीजिए, ठीक है। लेकिन मुझे जो सम ऑफ व्यू दिख रहा है ना, मुझे व्यू नहीं, मुझे इसकी परसेंटेज चाहिए, मतलब कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो उसके लिए मैं वैल्यू फिल सेटिंग पे जाऊंगा, सो एज में कैलकुलेशन की जगह पे यहां पे हम करेंगे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इस पे इंसर्ट करेंगे चार्ट को, ठीक है। और इस सबको हम डिलीट कर देते हैं, इस सबको यहां से डिलीट, इसको डिलीट, तो डिलीट नहीं, इसको राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं, और फिर इसको राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक के बाद एड डेटा लेवल परसेंटेज आ जाता है। उसके बाद इसको हम कट करते हैं, और कट करने के बाद हम यहां डैशबोर्ड में नीचे हम यहां पे डालते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और आता है। इसको राइट क्लिक करके मैं इसको चार्ट फॉर्मेट एरिया में जाके इसको नो फिल एंड नो लाइन कर देता हूँ, तो बेटर दिखेगा, इसको हटाता हूँ। अब इसमें दिक्कत आती है कि मुझे इसके ये तो हो गया परसेंटेज, लेकिन मुझे इसके ए भी चाहिए, उसके जो आ रहे थे ना कौन से क्या है कितना परसेंटेज है वो भी चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें फिर वापस समिफ लगाने का जरूरत नहीं है, हम अपने सीट में जहां हमारा पिवट लगा है उसी को यहां पे हम लिख देते हैं सोर्स। और सम ऑफ व्यू की जगह पे सिर्फ व्यू कर देते हैं। अब ये ऑलरेडी इंग्लिश बता रहा है, तो एक स्पेस मार दीजिए इसमें, और इसकी फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसी को कॉपी करता हूं और डैशबोर्ड में यहां पे पेस्ट एज ए पेस्ट स्पेशल, कॉपी करना होगा पहले, हाँ कॉपी किया, और डैशबोर्ड में पेस्ट स्पेशल होता है, और पेस्ट स्पेशल में हमने पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर लिया, ताकि इसको हम अपने हिसाब से छोटा कर सके। समझे? थोड़ा सा क्या अरे तो डिफाइन नहीं हो रहा है ना, दिखाई नहीं हो कौन से रहा? सोर्स का कौन सा कलर है, कलर नहीं दिखना है ना, उसका कलर कलर करस्पॉन्डिंग कलर कलर। से प्रॉब्लम नहीं है, कलर से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कलर आपको करवाना है तो फिर उसको आप कर लीजिएगा, क्या बोलते अच्छा, तो हैं, हम परसेंटेज से हम वेरीफाई करेंगे। हाँ समझ पाए, क्योंकि इस पे सुनिए, अगर दिखना है तो इस पे कर्सर जाते दिख जाएगा ना कि कौन सा है, YouTube सर्च दिख रहा है ना ओके आपको, यहाँ ओके, हाँ पे दिख हाँ जाएगा, ये दिख रहा है ना, जस्ट वीडियो इस तरह से दिख जाएगा। हाँ ऐसे आप मेल फीमेल भी कर सकते हो, कितने परसेंट मेल और कितने परसेंट फीमेल ने देखा है, इस तरह से आप पे ब्लैक लोकेशंस के बारे में देख सकते हो, लोकेशंस के हिसाब से भाई, लोकेशनल सर्च। तो लोकेशनल सर्च में एक ये है, मतलब तो एक तरीका है, बताता हूँ आपको क्या है, कि हमारे यहाँ इंसर्ट में जब जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैप की तरह है, तो ये आपके स्टोर होता है, स्टोर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं, इसमें ऑप्शन आता है, एक मिनट मैं स्टोर में आता हूँ, ठीक
यहाँ पे एक ज्योग्राफिकल चार्ट होता है, हिट में हिट चार्ट, तो सर्च कर सकते हैं इसमें। जो पर हीट मैप, इसको हम ऐड कर देते हैं। इट राउंड 16 में अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। स्टोर स्टोर क्या है, जैसे कि आपके पास ये होता है ना, इस पे प्ले स्टोर पे आपके पास ये होता है, एप्स एप्स। होते हैं ना, उसी तरीके से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गेट स्टार्टेड में आते हैं। यूएसए नहीं मिला, मैंने बोला वर्ल्ड, वर्ल्ड ठीक है ना, और उसके बाद बोलता है कि रीजन, रीजन का आपको यहां पे हमने वर्ल्ड का मैप ले लिया और हमें इसमें बताना होता है कि कौन सा रीजन है। रीजन में मैं यहां प्लेबैक लोकेशन में गया और इसको सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट, हाँ सेलेक्ट द डेटा, सेलेक्ट द डेटा में मैं यहाँ प्लेबैक लोकेशन पे गया और याद करिए लोकेशंस आईडी, और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया व्यूज एंड ओके। यहाँ पे टाइप नहीं करना है, व्यूज पे कर देना, सिलेक्ट कर लीजिए ठीक है। ज्योग्राफिकल आईडी एंड आपके व्यू, रेड ग्रीन करना है या फिर ग्रीन या गैस कलर अभी कर सकते हो, और टाइटल यहां दे सकते हो कि प्ले बैक लोकेशन, और हमने इसको सेव कर दिया। ये रहा ज्योग्राफिकल हिट मैप, दिख गया। यहां पे कर्सर रखिए, यहां देखिए पाकिस्तान कितना है, इंडिया कितना है, दिख रहा है आपको? अच्छा, व्हाइट और येलो जो है वो है ही नहीं क्या? नहीं है, सब पे अलग अलग कंट्री के अलग अलग कर दिया उसने। ये अच्छा, ओके ओके, हीट मैप रेड कर दिया ना इसने, ठीक तो येलो का, ओके ओके, है ना। आप जूम भी कर सकते हैं, आप जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हाइट का डेटा नहीं है क्या? हाँ व्हाइट कलर का नहीं, उसमें गेस कलर ग्रीन, और ग्रीन भी था ना, रेड और भी था उसमें, जो लोकेशन था वो भी आप और देख ग्रीन ओके। समझ गए ना। इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल हीट मैप डालोगे तो ओके मैप वाइज आपका टोटल दिखेगा। ओके ओके, और इसका डेटा चाहिए तो डेटा भी डाल सकते आराम से, इसको कर्सर रखते इसका डेटा आ जाता है ऐसे। ये आईडी जो है वो उसके आईडी यहाँ पे फिक्स होता रहते क्या? है, फिक्स होता है, इसका कोड होता है। अगर कोड अगर आपको नहीं पता कंट्री कोड, तो आप उसके इसमें जाके देख सकते हैं, हाँ इसके अंदर, मतलब कि इसके अंदर कंट्री कोड का ओके, गूगल ऑप्शन में हो, होता है। तो ये आपका, तो कंट्री कोड ही देना, हाँ ये आपका 90 डेज का कंट्री डैशबोर्ड कोड ही। का, हाँ कंट्री कोड ही देना पड़ेगा सर आपको, स्टेट का नहीं लेता है, क्योंकि स्टेट के लिए आपको क्या बोलते हैं, कंट्री नेम चलते, कंट्री नेम से नहीं होगा सर, कंट्री कोड डालना पड़ेगा। ओके ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि इसमें इसका फायदा, यो एक और फायदा होता है इसमें, यूएस का अगर डेटा है तो स्टेट वाइज भी हो जाता है, लेकिन यूएस के अलावा स्टेट वाइज नहीं होता है, कंट्री वाइज होता है। तो ये दोनों फाइल जो लास्ट फाइल है, और ये दोनों फाइल में आपको अभी मेल कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। और कल हम कोई किसी और डैशबोर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे।
तो ये दोनों फाइल दे देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी दे देता हूँ, ताकि आप बैठ कर आराम से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। ये सीन सीन का सर कुछ कीजिए ना, वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ठीक है। नहीं, कल ऑडियो से, वीडियो का ना। कल से ठीक हो जाएगा। आज थोड़ा सा